नमोनाय, जय महाकाल, जय मंगलमुखी। सभी मेरे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। 6 तारीख को आपका जन्माष्टमी जो है वो पड़ेगी, 6 सितंबर को आ रही है। ऐसे में आपके ऊपर नमो नारायण, जय महाकाल, जय मंगलमुखी। सभी मेरे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। 6 सितंबर 2023 को दिन बुधवार के दिन जन्माष्टमी आ रही है, और इस जन्माष्टमी में अगर आपने यह 10 उपाय कर लिए तो यकीन मान के चलिए कि आपका भाग्य बदल जाएगा, देवी देवता आपके दीवाने हो जाएंगे और भगवान आपकी हर बात को सुनेंगे। क्योंकि इस जन्माष्टमी में बहुत सारे संयोग बन रहे हैं, बस उस संयोग को आपको बनाना है। और कैसे बनाएंगे? अगर आप ये 10 काम करते हैं, इससे जगत के पालनहार श्री हरि नारायण विष्णु का सानिध्य आपको प्राप्त होगा। श्री हरि नारायण विष्णु जहां पर हैं वहां पर माता लक्ष्मी है, जहां पर श्री हरि विष्णु है वहां पर माँ दुर्गा है, क्योंकि वो उनके भाई हैं। जहां पर माँ दुर्गा है वहां पर साक्षात भगवान भोलेनाथ हैं, और जहां पर भोलेनाथ हैं उनके साथ उनके गण हैं, वीरभद्र हैं, नंदी जी हैं, गणेश भगवान हैं, हनुमान जी हैं जो रुद्र के अवतार ही हैं। जहां पर भी नारायण होंगे वहां हनुमान जी होंगे। इतने सारे देवताओं का आपको एक बार में सानिध्य प्राप्त हो सकता है। तो क्या है उपाय? जन्माष्टमी के 10 उपाय करेंगे, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। सबसे पहला उपाय है कि भगवान श्री कृष्ण के लिए एक चांदी की बांसुरी उस दिन लाइए। अब बांसुरी इतनी बड़ी नहीं है कि आपकी सामर्थ्य नहीं है, एक छोटी सी बांसुरी चांदी की बहुत सस्ती मिलेगी। उसके बाद जन्माष्टमी खत्म होने के बाद इस बांसुरी को आप अपने पर्स में रख सकते हैं, यह रुपए पैसे को अट्रैक्ट करेगी, इसमें कोई शक नहीं है। तो छोटी सी बांसुरी लाइए, उसमें एक मोर पंख आप बांध सकते हैं, रख दीजिए। दूसरा सबसे बड़ा उपाय, शंख। इस दिन आप शंख लाइए। किसी भी प्रकार का कोई भी शंख आपको मिलता है तो उसको अपने घर में इस समय जन्माष्टमी के दिन स्थापित कर दीजिए। शंख में भगवान विष्णु का वास होता है, माता लक्ष्मी रहती है, और आपको रोज अपने चीजों को अच्छा करने के लिए, अपने मन को एकाग्र करने के लिए, जिन लोगों का मन यहाँ वहां डोलता है, पूजा पाठ में मन नहीं लगता, साधना में फोकस नहीं कर पाते हैं, फोकस करने की प्रॉब्लम है, ऐसे लोगों को शंख में पानी भर के डेली पीना चाहिए, ठीक है। तीसरी बात, मिश्री का भोग लगाना आपको, मिश्री मक्खन का आप भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाइए। इस तरीके से मिश्री मक्खन का भोग लगाने से भगवान आपको क्या कहते हैं, श्री कृष्ण भगवान, सॉरी मैंने शंकर भगवान कह दिया, श्री कृष्ण भगवान को आप मिश्री का भोग लगाइए। उसको भोग लगाने से क्या होगा, जब भी आप भोग लगाएंगे तो जब भी आप भगवान को प्यार से भोग लगाते हैं तो उनका पेट भर जाता है, और जब आपका पेट भर जाएगा तो पूरे संसार में कोई भी इंसान भूखा नहीं रहेगा, और आप तो रह ही नहीं सकते क्योंकि आप तो सच्चे भक्त हुए। तो ये काम भी आपको करना है। तो इस तरीके से अगर आप करते हैं तो आप देखेंगे कि आपको बहुत सारी चीजों का सामना आसानी से आप कर सकेंगे, निपटा देंगे, यानी जो भी संघर्ष आपकी जिंदगी में आ जाएगा वो अब खत्म हो जाएगा। इस दिन अगर आपने अभी रक्षाबंधन जस्ट लौट के गया है तो आपके घर में कोई ना कोई राखी होगी, और नहीं भी होगी तो अभी से खरीद लीजिए, क्योंकि वीडियो अभी आ रहा है तो आप एक राखी रख लीजिए। और भगवान श्री कृष्ण को अपनी जो बहने हैं मेरी सारी, वो सभी बहने भगवान श्री कृष्ण को अपना भाई मान के राखी बांधे। जब भाई को आप बना के राखी बांधेंगे तो ऐसे में भगवान श्री कृष्ण का फर्ज हो जाएगा कि वो आपकी सहायता करें। तो हर रूप में आपकी सहायता करेंगे तो भगवान आपके लिए हर चीज के लिए दौड़े चले आएंगे। तो ये भी एक तरीका है जो आप भगवान को कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने घर में एक गाय जो बछड़ा होता है उसका ले आइए, क्या बोलते हैं, एक मूर्ति छोटी सी ले आइए गाय बछड़े की। ये शुभता की निशानी होती है, और भगवान श्री कृष्ण, आपने देखा होगा, गायों के साथ ही घूमते थे, बछड़ों के साथ घूमते थे और बांसुरी बजाते थे, तो उनको बहुत प्रिय है। तो ऐसी चीनी मिट्टी की या किसी भी रूप में मेटल की हो सकती है, उस दिन अपने घर में स्थापित कर दीजिए और उसे अपने घर में हमेशा रखिए। भगवान शिव को शैफाली का, पारिजात का, हरसिंगार का पौधा बहुत पसंद है, तो इसकी जगह में पौधा नहीं, उनको फूल इनके अर्पित करिए। अब भगवान श्री कृष्ण को फल व अनाज भी अर्पित करें। फल और अनाज
हमेशा साधना में, पूजा पाठ में जरूर दिया जाता है और खत्म होने के बाद इसका आप ग्रहण भी कर सकते हैं प्रसाद के रूप में। भगवान श्री कृष्ण को मोर का पंख जरूर जरूर अर्पित करें। मोर के पंख वास्तु को भी खत्म करता है, घर से सांप बिच्छू जो चीजें होती है वैसे चब वो भाग जाते हैं उसकी आहट से, उसकी खुशबू से चले जाते हैं, स्मेल से। तो वास्तु शास्त्र के अनुसार भी अपने घर में मोर पंख जरूर स्थापित करना चाहिए, इससे आपको फायदा मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण को झूला में झुलाएं, भगवान श्री कृष्ण को डायरेक्ट ऐसे मत रखें, झूले में रखें और उस झूले को आप थोड़ा थोड़ा कभी कभी बीच बीच में हिलाते रहें, एटलीस्ट जब पूजा पाठ कर रहे हैं तब तो जरूर हिलाएं, इससे आपको फायदा मिलता है और भगवान का सानिध्य प्राप्त होता है। तो ये सारे काम जो मैंने आपको बताए हैं ये जरूर आप करें और इससे आपको फायदा होगा। इसी के साथ साथ सबसे लास्ट का जो मेरा बच रहा है इन सभी में 10 का, वो है तुलसी। तुलसी बहुत छुई मुई से होती है, तुलसी में माँ लक्ष्मी रहती हैं और लक्ष्मी के बिना भगवान विष्णु अंधूरे हैं। तो ऐसे में श्री कृष्ण भगवान को तुलसी के पत्ते आप दे सकते हैं, अपने घर में चरणामृत बनता है, कुछ भी ऐसी सामग्री जो भगवान को भोग लगाने बनती है उसमें भी आप तुलसी के पत्ते डाल सकते हैं। ये अरोमा तो देगा ही देगा, स्वाद बढ़ाएगा, साथ ही साथ भगवान श्री कृष्ण को भी खुश करेगा। तो ये 10 उपाय इस जन्माष्टमी को करिए और देखिए कैसे आपकी किस्मत अपनी आंखों से आप बदलते हुए देखते हैं। सभी लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें और इसी के साथ मुझे इजाजत दें।